Hey everyone, welcome back to my channel and good afternoon. लगभग एक साल के बाद या तो 8-9 months हुए हैं कि मैंने last अपना हेयर कट किया था. तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना हेयर कट करने जा रही हूँ. एक्चुअली मैं अपना लुक की थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ. वैसे ट्रिमिंग मैं करती हूँ हर 3 महीने में, पर वो अलग चीज़ है, ट्रिमिंग अलग चीज़ है. जस्ट हेयर ग्रोथ जल्दी से हो जाए बस इसलिए करती हूँ. अदरवाइज हेयर कटिंग, उसका चेंज करना, शॉर्ट करना, वो सब मैं लास्ट उस टाइम ही किया था जब इतना छोटा किया था. तो आज इतने दिनों बाद मैं करने जा रही हूँ हेयर कट और मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा है कि कैसा हेयर कटिंग होगा. मेरा कोई भी प्लान नहीं होता है. हमेशा मैं सैलून में जाके वहाँ पे उनको मैं पूछती हूँ, जो हेयर स्टाइलिश होते हैं उनको पूछती हूँ कि मेरे फेस में क्या अच्छा लगेगा, मेरे हेयर के जो क्वालिटी है उस हिसाब से कौन सा अच्छा लगेगा. वो लोग जो सजेस्ट करते हैं मैं वही कट कर लेती हूँ. पर इस बार मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि हर बार आप लोग पूछते हो मुझे कि शोमली आपका हेयर कट का नाम क्या है. एक्चुअली मैं खुद भी कभी नहीं पूछती उनसे, जो अच्छा लगता है वो करके देते हैं, उसके बाद नाम नहीं पूछती. तो इस बार मैं ज़रूर पूछूंगी और हाईलाइट भी करने वाली हूँ. ऑस्कर पेपर रोल ऑस्कर. तो अभी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सबसे जो गंदा वाला ड्रेस है वो मैं पहन के जाती हूँ हेयर कटिंग करने, क्योंकि इसमें वो हेयर वेयर लग जाता है, गीला हो जाते हैं. शायद 2-3 महीने पहले मैंने आपके साथ एक ममार्थ का ब्लेमिशेस क्रीम शेयर की थी, जो कि जिसका नाम था बाबाए ब्लेमिशेस. ये जो बाबाए ब्लेमिशेस क्रीम है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये ब्लेमिशेस का जो प्रॉब्लम है ना गाइस, बहुत कम चीज़ आपको मिल जाएगा जिसमें ये ब्लेमिशेस जाते हैं, क्योंकि ये स्किन में इस तरह से आ जाते हैं कि वो किसी भी आप रेमेडी कर लीजिए वो जाने का नाम ही नहीं लेता. थोड़ा सा जाते हैं फिर आ जाते हैं. तो ममार्थ का ये जो क्रीम है, ये वही क्रीम है जो आपके साथ मैंने शेयर की थी. बाय द वे, मेरे फेस में ब्लेमिशेस ऐसा कुछ नहीं है, थैंक गॉड. तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए कोई अच्छा सा नेचुरल क्रीम के बारे में बताइए. तो ममार्थ से ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ और नहीं लगा कि मैं आपको स्पेसिफिकली ब्लेमिशेस के लिए सजेस्ट करूँ, कि ममार्थ के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं 100% नेचुरल. इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, इसमें कोई भी सिलिकॉन, पैराबेन, मिनरल ऑयल ऐसे जो कि हार्मफुल केमिकल है वो बिल्कुल नहीं होता. आपके स्किन को ये हार्म नहीं पहुंचाते. आपका स्किन टाइप चाहे जैसा भी हो, ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. और ये जो ब्लेमिशेस वाला क्रीम है, ये आपके स्किन पे अप्लाई करने के बाद इतना जल्दी ये स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आपके स्किन भी कुछ चिपचिपा नहीं लगेगा. इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो, इसे यूज करने के बाद आप बाहर भी जा सकते हो. और इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है उसके बारे में अगर आप जानेंगे, अगर सुनेंगे, तो आप खुद ब खुद इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे. इसमें है मूलबेरी एक्सट्रैक्ट, इसमें है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी. मूलबेरी में एंटी ऑक्सीडेंट होता है और ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है. डेजी फ्लावर में एक्चुअली कई सारे ब्यूटी सीक्रेट्स होते हैं स्किन के लिए. ये आपकी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, लाइटन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है, वो भी नेचुरल. एंड लिकोराइज आपके स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन से बचाते हैं. इस क्रीम पे मौजूद लिकोराइज आपके पिगमेंटेशन को, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा और दोबारा इसे आने नहीं देगा. एंड विटामिन सी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि कुछ दिन पहले भी विटामिन सी को लेकर हमारे साथ बात हुआ था. तो विटामिन सी स्किन को सन रे से प्रोटेक्ट करते हैं, जो यूवी रे होते हैं जिसके कारण स्किन पे कई सारे पिगमेंटेशन भी आ जाते हैं, जिसके कारण स्किन बिल्कुल डल दिखने लगता है, कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, उससे आपकी स्किन को विटामिन सी बचाते हैं. मेनली हमारे स्किन पे जो पिगमेंटेशन आते हैं वो आते हैं सन रे की वजह से, यूवी रे की वजह से. तो इस चीज में आपकी स्किन को विटामिन सी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं. तो एक ही क्रीम के अंदर आपको मिल जा रहे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए. ममार्थ हमेशा स्किन, हेयर और एनवायरमेंट सारे चीजों का एक साथ ध्यान रखते हैं. ये ब्रांड जितना प्लास्टिक यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए, उससे भी ज्यादा प्लास्टिक ये लोग रिसाइकल करते हैं. और आपको शायद पता होगा, ममार्थ ब्रांड ऑफिशियली सर्टिफाइड है, पेटा सर्टिफाइड है क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए. ममार्थ के साइड से मेरे नाम पे 20% डिस्काउंट वाला कूपन छोड़ते हैं, जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए है. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी वो मेरा एक कोड, जो कि शोमाली 20, उसे यूज करके अगर आप ममार्थ के ऑफिशियल साइट से ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ इसमें. इसके अलावा भी आप इसे अमेजन, नाइका पे आपको MRP में इसे परचेस करना पड़ेगा. मेरा कोड कोई भी काम नहीं करेगा. प्रॉपर कंसिस्टेंसी आपको दिखाना चाह रही थी. दिन में 2 बार आप यूज कीजिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए.
मेरा स्किन जो है बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रहा है, और इसे यूज करने के बाद ये काफी, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कोई क्रीम यूज की है, पर अंदर से ये स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। तब कि इसे आप विंटर में भी, पूरा विंटर में इसे आप यूज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पूरे साल में भी। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे कैसे हेयर कट करना चाहिए कैसे नहीं, तो मिथुन को मैं हमेशा अपने साथ पाती हूँ, तो मैं मिथुन से सलाह लेती हूँ। तो इस बार मिथुन बोल रहा है कि तुम बॉयकट कर लो, तुम्हें सबसे बेस्ट दिन, एक ही सलाह मैं हमेशा देता हूँ। एक बार आप लोग सोमालीस किचन देखी होगी तो देखना, सोमालीस किचन है ना, विविध टिंगर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, उस टाइम में मेरा बॉयकट तो नहीं था, पर काइंड ऑफ मिथुन की सलाह मान के। कान का ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये भी थोड़ा नीचे है, पर इसके ऊपर थम रहा है, तो उसके बाद इतना अच्छा लगा मुझे, और इतना लोगों से अप्रिशिएशन मिला था, स्पेशली मेरे घर से, कि उसके बाद मैं हमेशा भी जब भी हेयर कट करने जाते तो मिथुन का सलाह लेती हूँ। तो बाटी छाट उस टाइम में वो था, बाटी छाट है, और अभी कौन सा छाट देने वाले हैं मुझे नहीं पता। नहीं, एक एक चीज, मतलब आप लोग जाके देखो, वो अच्छा लगता था इनके, इनको सूट करता था, बाटी छाट मुझे सूट करता है। गुड, तो आज जैसे भी मेरा हेयर कट हो उसका मुझे ज्यादा परवाह नहीं है। अरे, हेयर तो ऐसा चीज है कि ग्रो होता रहेगा, तो इसे मुझे इतना परवाह नहीं है। उस दिन लोग बुरा बोलेंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे अपना हेयर को हाईलाइट करना है, और वो कौन सा कलर यूज करूंगी वो ही, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा कलर यूज करना चाहिए हाईलाइटर, मुझे कौन सा। हाँ बोलो, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सबसे यूनिक दिखना चाहिए मम्मी को, ताकि लाखों करोड़ों में भी वो अपने मम्मी को ढूंढ पाए। पर्पल कर सकते हैं मैं ना, स्काई ऑरेंज, कितने कलर है, वो ही बोरिंग सा बर्गंडी या तो ब्राउन, ब्लॉन्ड भी कर सकते हैं ना, सबसे बढ़िया दिखेगा। पूरा ब्लॉन्ड हो जाओ ना, पूरा ट्राई कर लेते हैं आज, तो कुछ मैं ट्राई करूंगी, नया कुछ आज ट्राई करूंगी, जैसा भी दिखे मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे अरे, लुक का क्या है, अगर आप कैरी कर सकते हो तो लुक का वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अजीब दिखना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अलग दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात, अपना खेती है, वो कहावत है ना कि अपना खेती है उगता रहे, वो दाढ़ी के लिए होता है, बालों के लिए भी अपना ही खेती होता है, ये सर क्या किसी और का है, ये भी अपना ही खेती है। विंटर है तभी तो रिस्क ले रही हूँ, विंटर में आप किसी भी तरह के रिस्क ले सकते हो हेयर के साथ, क्योंकि टोपी पहन के रहे ना, हुडी पहन के रहे ना। Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. एक घंटे इसके साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं ये कलर कैसा आता है। एक्चुअली कलर जैसे भी आप यूज़ करें आपके हेयर पे डिपेंड करता है ये कलर आपके हेयर पे कैसा आएगा, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर है तो इसलिए ज़्यादा कलर पकड़ते नहीं है मेरा हेयर, तो इसलिए थोड़ा लाइट आता है, और अगर आपका हेयर बहुत ड्राई एंड ड्राफ है तो बहुत जल्दी कलर पकड़ लेते हैं, तो यही प्रॉब्लम है इसके साथ। रवि का हेयर कट नहीं किया है, वो बोल रहे थे हेयर कट मत कीजिए, इतना अच्छा हेयर है, और मुझे भी थोड़ा सा कट करना है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, अभी ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखते हैं कौन सा हेयर कट किया जाए।
गाइस दिस इज द फाइनल लुक। मैं आपको इस तरह से शायद इतनी अच्छे से दिखा नहीं सकती क्योंकि रात का टाइम है और रात पे इतना अच्छा शाइन नहीं कर रहा है। डे टाइम में आई होप कि ये अच्छे से दिखे और कलर बहुत अच्छा हुआ है और कैमरा में नहीं आ रहा है। रात में रियली बहुत ज्यादा डर्ट था वो अपना कलर तो दिखा नहीं देता। कोई बात नहीं, मैं मार्च के बाद मैं अपना हेयर कलर फिर से चेंज करने वाली हूँ, डॉट करने वाली हूँ, मतलब यही स्ट्रिक डॉट करने वाली हूँ, बोले यार नहीं, सो डोंट वरी। ये शो बोले ऐसा मत करो, आपका अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे स्ट्रिक बाद में कभी रिमूव कर देंगे, पर ट्राई करना चाहिए। ट्राई तो एक बनता है, जब आप इसे रिमूव कर सकते हो या ये फिर से ग्रो कर सकता है तो तरह तरह की चीजें आपको ट्राई करना चाहिए। तो कम से कम कभी ऐसा ये कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे जिंदगी में जब उम्र था तब ये सब नहीं थी और अभी उम्र नहीं रहा, जिंदगी बहुत छोटा है, हर एक चीज ट्राई करना चाहिए। बहुत दिनों बाद आज हम चाय पीने आए हैं यहाँ पे, खाना है रेडी। मैंने ये सारे खाना बना के गई थी क्योंकि आने के बाद मुझे पता था कि मुझे ये सब बनाने अच्छा नहीं लगेगा, पर ये जो चिली पनीर है, नहीं ये पेपर पनीर है ना, ये पेपर पनीर है, तो ये पेपर पनीर मिथुन आने के टाइम में लेके आए थे जहाँ पे हम चाय पीने गए थे ना, तो वहां से। चलो शोभा चलो, और ये एक रोटी ऑस्कर के लिए, चलो शोभा नहीं यहाँ पे रखी थी और मैं बात बात में भूल गई ना बाबा। ऑस्कर इतना ज्यादा बदमाश है, उसे हर एक चीज चाहिए, मतलब ये भी उसे चाहिए और ये भी चाहिए, सी हाँ ये भी चाहिए, किसी को एक भी चीज नहीं देगा। अभी बैठ के बस ऑस्कर का बदमाशी और इसका हिंग शूटी गिरी देखिए। अच्छा मैं तो रहता हूँ हिंग शूटी के हिंदी देखिए बोलबो वाला तो हिंग शूटे हिंग शूटे क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश है ना सेल्फिश हिंदी थे एकदम प्रॉपर हिंदी में मैं क्या बोल सकती हूँ। बहुत लोगों ने पूछा है कि ये शोमाली ये कैसा हिंदी हुआ, आप हिंग शूटे बोलते हो। देखो वो भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं वो खेल रहा है वो समझ गया। ओजी बाबा जी ये भी मेरा वो भी मेरा, एक भी दादा भाई का नहीं, ये भी मेरा वो भी मेरा। ओए ओ नो गोलू पहुंचा मां गोलू पहुंचा। ओहो बाबू এটা ওর নকে বার তোর লেগে যাবে। গোলু বাজা পুরো ঠান্ডিদের মতো একদম বসে থাকি, হাঁটু গেড়ে মানে একটা মুখে আর কত ধরবে, দুটো মানে ডিসাইড করতে পারছি না কোনটা বেশি ভালো, ডিসাইড করতে পারছি না কোনটা বেশি ভালো। গুলো 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 গুলো
छोटो पोचा के साथ सब ऐसे कर रहे, देखो छोटा छोटा मासूम के साथ सब ऐसे कर रहे, सारे बड़े बड़े छोटे मासूम के साथ ऐसा कर रहे। देखो दो बड़े ये छोटा बच्चा के छोटा बच्चा से ले लिया है। ला 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 ऑस्कर तो ये था ऑस्कर का मस्ती, हिंग शूट है ऑस्कर का मस्ती, अभी ऐसा करता रहेगा। और मुझे देखने के बाद कोई भी रिएक्शन तो दूर की बात है, बोल रहे हैं सेम तो हेयर है, सेम हेयर कलर, हेयर सेम, कलर सेम, सब कुछ सेम। मुझे समझ में नहीं आया मैं पैसा किस बात का दिया उन लोगों को। सच में ऐसा ही था मेरा हेयर के, मेरा हेयर का ऐसा था, और ये ऐसा ही था बिल्कुल। ये देखो ऑस्कर का जैसे देखो समझ में आता है, ये देखो ये देखो ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है। जैसे कि आर्यन ने बोला था ये पर्पल पिंक या रेड ऐसा कुछ चूज करती तो वैसा ही होता। एक काम करो अगली बार पर्पल कर लेना। पर्पल नहीं ब्लॉन्ड करूंगी, ब्लॉन्ड क्या ब्लॉन्ड करूंगी कोलकाता जाने से पहले, मार्च अप्रैल से पहले मैं ब्लॉन्ड कर लूंगी। आई हैव अ ब्लॉन्ड वाइफ। लेकिन कहीं जीव लड़खड़ा गया और ब्लॉन्ड का बॉल्ड तुम्हारे आशीर्वाद से वही होने वाली हूँ। एखने बसो, हाँ टू बी एच के तो बसे जाओ ऑस्कर, ओके थ्री बी एच के तो बसबे तो हमें एखने बसे जाई। तो रेगुलर का हमारा जो चलता है तो अभी थोड़ा सा हम टीवी देखेंगे, आर्यन चले गए सोने क्योंकि आर्यन का स्कूल है, तो हम थोड़ा सा टीवी देखेंगे उसके बाद हम सोएंगे। अभी थोड़ा सा फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा घर में ही अपने बीच थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, मूवी देखना, थोड़ा सा लेट नाइट तक जगे रहना, और काम वाम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पूरे साल रूटीन और ये दिसंबर का मतलब ईयर के लास्ट मंथ को थोड़ा सा एंजॉय करें क्योंकि 2019 दिसंबर और ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाले, तो इसलिए जो टाइम जाता है जो डेट जाता है वो हर एक डेट हर एक दिन को हम इतना ज़्यादा अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ तो अच्छा नहीं जाता पर एवरी डे हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि वो दिन हमारे जिंदगी में वो कभी नहीं आने वाले, लौट के तो नहीं आता है वो दिन, वो टाइम कभी नहीं आता, वो हमारा उम्र, हमारा जो उम्र है वो और कभी लौट के नहीं आएगा, हम बूढ़े होते जाएंगे उसके बाद, एक दिन बूढ़ा हो गया। हाँ तो इससे अच्छा है कि हर एक पल को आप जियो, आप दूसरों को और भी अच्छे से जीने का इंस्पिरेशन दो और बस मस्त रहो लाइफ में, टेंशन वेंशन छोड़ो, ऑनेस्टली काम करो, अर्न करो, मस्ती करो, बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो चलिए गाइज ये ज्ञान के साथ खत्म करते हैं आज हमारा आज का ब्लॉग, तो नेक्स्ट आपके साथ मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और तो चलिए तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सच। बाय, गुड नाइट। आई होप मेरा हेयर कट आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा ना भी लगे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, और ये कलर भी अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ये भी रिमूव हो जाएगा। मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला, पर जो बात मैंने बोला वो बात को बिल्कुल भी आप कमेंट मत करना, सोमाली ब्लॉन्ड मत करो, मत करो, मत करो। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर किसी को अलग अलग रूप में थोड़ा सा कभी देखना चाहिए इस फेस को, कभी ना कभी तो बोर लग रहा हो। वही बोला ना क्या आप ब्लॉन्ड करोगे मेरा जीव लग खड़ा क्या कर, हो गया हो गया। तो इस एंड करो वीडियो, तो आपको मैं दूसरे रूप में मिलूंगी। हाँ कब? अप्रैल, अभी नहीं, अभी कुछ दिन तो इसे भी एंजॉय कर लेते जब कर लिया इतना ये कटाई। तुम ये कर सकते हो, हम लोगों का उधर टीटल और बोल के एक जगह है। ओके गाइस, ओके चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सिटी।